देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में बीते रोज गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए केस मिले हैं। वहीं इतने ही समय में महामारी से 16 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 65,683 रह गई है। यह पिछले 2 महीने में कोरोना के सक्रिय मरीजों की सबसे कम संख्या है। वहीं राज्यों की अगर बात करें तो केरल में लगातार सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 1,829 नए केस मिले। वहीं इतने ही समय में दिल्ली में 948, हरियाणा में 596, उत्तर प्रदेश में 565, महाराष्ट्र में 545 नए कोरोना केस मिले हैं। इसी के साथ देश में कोरोना महामारी से रिकवरी रेट 98.67% जबकि मृत्यु दर 1.18% पहुँच गई है। केंद्र के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 के 220.66 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के गिरते एक्टिव मामलों ने जहां एक तरफ उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने लोगों से लापरवाही न बरतने और कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील की है।